मैक एंड चीज़, ये मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी है और मैं बहुत दिल चाह रहा था खाने का। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमने 3 पोटैटोज ले लिए थे जिनको हमने बॉईल कर लिया था और अब उसको मैश कर रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह मैश करना है ताकि कोई भी लम्प्स ना हो। और हम अपने पोटैटोस को क्रीमी करने के लिए हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क और फिर उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिल्क डालने से आपको दिखेगा कि ये और बहुत सॉफ्ट हो गया, ये पोटैटो का मिक्सचर और रनी हो गया थोड़ा सा। और हम लोग डालेंगे फिर चीज़ 2 टेबलस्पून्स। आप कोई भी अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं, हमने मोज़रेला चीज़ ली है। और अगर आप गरम गरम पोटैटोज़ में करेंगे तो ये चीज़ डलने के साथ ही मेल्ट हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप अपने पोटैटोज़ गरम गरम जब होंगे तभी कर लिएगा ये। और फिर हमने लिए है 3 कप मैक्रोनी। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हमारे घर में मैक्रोनी ख़त्म हो गई थी और मेरा दिल बहुत चाह रहा था खाने का, इसलिए मैंने मामा से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम फिर भी बना लेते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ नहीं है तो ऐसे थोड़ी करना है कि बस बनाएंगे ही नहीं। और फिर मैंने सर्च पे करके देख लिया था तो ये लिखा हुआ था कि टेस्ट एक ही होता है, इसलिए हमने 3 कप मैक्रोनी, वो हमने तो पास्ता लिया है लेकिन आप मैक्रोनी बॉयल ले लिएगा, वो बॉयल कर ली थी। और फिर हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर और उसमें 4 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर यानी मैदा लिया है। और इसको हम भून लेंगे जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा डार्क ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे उसमें से। भूनने के बाद हम लोग फिर उसमें 1 कप दूध डालेंगे और उसको आपको जल्दी जल्दी विस्क करते रहना है, क्योंकि फिर अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो लम्स आने शुरू हो जाएंगे और फिर अगर लम्स आ जाएंगे तो हमारी मैक्रोनी एंड चीज़ स्मूद नहीं बनेगी। फिर हम लोग इसमें सॉल्ट टू टेस्ट यानी आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और फिर हम लोग वापस इसको स्टोव पर रख देंगे और थोड़ा सा पकाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। और फिर इसमें चीज़ 2 टेबलस्पून डाल देंगे और जब तक मिक्स करेंगे तब तक चीज़ ना मेल्ट हो जाए। अब आती है सारी चीज़ें मिक्स करने का, तो हमने एक पैन में मैक्रोनी और उसके अंदर वाइट सॉस डाल के मिक्स कर लेंगे। उसमें पोटैटो का भी मिक्सचर डाल देंगे जो हमने पहले तैयार करके रखा था। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम लोग उसमें थोड़े से स्पाइसेस सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले है केचप,
3 टेबलस्पून्स हमने डाली थी, आप जितने भी आपको चाहिए आप डाल लें। ये भी 3 टेबलस्पून लग नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों ने चख के फिर दोबारा और डाल दी थी। और फिर डलेगी चिली सॉस 2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर टॉप पे आप चीज़ स्प्रिंकल कर लें जितनी भी आपको चाहिए। हमें ज़्यादा चीज़ पसंद है, हमने ज़्यादा चीज़ स्प्रिंकल की है। और फिर उसको कवर करके रख देंगे, चीज़ ना मेल्ट हो जाए, दम पे रख देंगे। और फिर हमारी मैक्रोनी एंड चीज़ रेडी है। आप इस वक्त उसको चख के देख लें कि अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप इसी वक्त डाल लें। हमने सॉसेस और ज़्यादा डाली थी। तो केचप और चिली सॉस हमने थोड़ी सी और डाली थी चख के, और ये हमारी मैक्रोनी चीज़ रेडी हो गई। बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी। और ये है फाइनल लुक। मुझे तो भाई बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं अब खाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा ये रेसिपी, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें और वीडियो शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।